एशिया कप 2023 में आज रविवार को एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। आज श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर चार का मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर सभी क्रिकेट फैंस के मन में एक आशंका है कि क्या यह मुकाबला भी बारिश के कारण धुल जाएगा। तो यहाँ हम आपको यह जानकारी देने आए हैं कि आज इस मैच के दौरान बारिश की कितनी संभावना है। लेकिन इस मैच को लेकर एक अच्छी खबर भी है, वो अच्छी खबर क्या है वो भी हम यहाँ आपको बताएंगे। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच एग्जैक्ट कितने बजे भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला आरंभ होगा और इस मुकाबले को आप टीवी और मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में कैसे देख पाएंगे और इस मुकाबले में किस टीम के जीतने की संभावना है, आंकड़े क्या कहते हैं, इन सब बातों की जानकारी हम यहां आपको देने आए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 133 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत को 55 में जीत मिली है। वहीं पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध 73 मुकाबले में जीत मिली है। जहां तक एशिया कप का सवाल है तो एशिया कप में दोनों ही टीम के बीच कुल 18 मुकाबले खेले गए हैं और 18 में भारत को 9 मैच में जीत मिली है। वहीं पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सिर्फ 6 मैच में जीत मिली है। अगर हम अंतिम 5 वनडे की बात करें तो दोनों टीमों के बीच जो अंतिम 5 वनडे खेला गया उसमें भारत का पलड़ा भारी है। अंतिम 5 वनडे मुकाबले में पाकिस्तान को सिर्फ 1 मैच में भारत के खिलाफ जीत मिली है, जबकि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच में जीत मिली है। तो आंकड़ों के हिसाब से भारत और पाकिस्तान की स्थिति लगभग बराबर है, लेकिन इस एशिया कप में दोनों ही टीमें अभी तक अपराजय है। पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है और भारत की टीम भी अभी तक एक भी मुकाबला इस टूर्नामेंट में नहीं हारी है। इसलिए आज दोनों के बीच मुकाबला कांटों भरी होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मुख्य अस्त्र शाहीन शाह अफरीदी, हरीश राउत और मोहम्मद शाह की तिकड़ी इस मुकाबले में कमाल दिखा सकती है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे आरंभ होगा, जिसे आप भारत में स्टार स्पोर्ट के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। लेकिन यहां आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेंगे। अगर इस मुकाबले को टीवी पर बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो फ्री डिश कनेक्शन पर डीडी स्पोर्ट पर इस मुकाबले का प्रसारण किया जाएगा। वहीं इस मुकाबले को अगर आप मोबाइल में बिल्कुल फ्री देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर इस मुकाबले को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। अब हम आपको बता दें इस मैच को लेकर आज कोलंबो में बारिश का पूर्वानुमान क्या है। जब इस मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा तो कोलंबो में 70% बारिश होने की संभावना है, लेकिन रात में इस मैच के दौरान 90% तक बारिश होने की संभावना है। लेकिन अच्छी खबर यह है इस मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है, इसलिए बारिश के कारण अगर इस मैच में व्यवधान पड़ता है तो यह मुकाबला 11 सितंबर यानी सोमवार को भी खेला जाएगा। लेकिन आज यह मुकाबला जहां रुकेगा वहीं से सोमवार को यह मुकाबला आरंभ होगा। इस मुकाबले का परिणाम सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इस मुकाबले का परिणाम आपको सबसे पहले बताया जाएगा।